सब कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अपने घर में एकदम से फैंटास्टिक हो गए। मैं भी फैंटास्टिक हूँ। तो आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके, वो भी हेयर केयर के रिलेटेड। मैं सभी आप लोगों की सभी कमेंट का रिप्लाई देने का सोच रही होती हूँ और रिप्लाई तो वहाँ पे दे देती हूँ, पर हर एक कॉमेंट का हर एक वीडियो में अलग से बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं सोचती हूँ कि मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली वाले हैं, वो सब अच्छे से समझ जाए कि वो लोग क्या पूछना चाहते हैं। तो मैं वीडियो के जरिए उन लोगों को बताऊँ, वीडियो के जरिए तो उन लोगों को पता चले कि हमें परफेक्टली क्या करना है। तो मेरे को बहुत सारी, एक नहीं बल्कि बहुत सारी कॉमेंट आ रही है कि आप अपने हेयर को ट्रिम घर पर कैसे कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर पर हेयर को नीचे से ट्रिम कैसे करना है। और हाँ, सबसे पहले तो मैं वो चीज़ बता दूं कि जो लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग के दो तीन महीने में, दो दो महीने में हमारे हेयर को ट्रिम करना चाहिए, तो गाइस ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्योंकि आप लोग सोचो कि हेयर को बढ़ने में ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है। आप कहीं पे भी कितना भी महंगा महंगा ऑयल यूज़ कर लोगे, फिर भी हेयर तो बढ़ेंगे दो तीन महीने में ही, इतने जल्दी इसका ग्रोथ होता ही नहीं है। कोई भी ऑयल यूज़ कर लो, मैं मेरे हर एक वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को कि आपको पूरे पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा अपने हेयर के रिलेटेड। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उनके अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इतने दो दो तीन तीन महीने में कभी हेयर को ट्रिम नहीं करना है। और जब भी हेयर ट्रिम कर रहे हो तभी दो इंच जितना ही करना है, इससे ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर आपको बड़े हेयर चाहिए तो, अगर आपको बड़े हेयर नहीं चाहिए तभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तभी तो ये वीडियो आपके काम का भी नहीं। तो मैं हूँ अपेक्षा और आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो आपके अपने वीडियो में, तो लेट्स गो। तो अगर आपको अपने हेयर को ट्रिम करना है तो आपको सबसे पहले हेयर को कंघी कर लेनी है। बड़े कंघी वाली कंघी लेना है, पर अभी मैं ऑलरेडी कंघी करके बैठी थी इसलिए मैं छोटी वाली लेके आपको बता रही हूँ। बस देखो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कंघी कर लेनी है। मैंने दोनों तरफ से अच्छे से कंघी कर ली है। और अगर आपने ऐसे दोनों तरफ हेयर नहीं रखे हो और एक ही साइड हो, तो आपको सबसे पहले ऐसे मांग में से दो साइड कर लेना है। ऐसे दो साइड हो जाए इसके बाद हमें ट्रिम करने का स्टार्ट करना है। पर मैं अभी भी आपको कह रही हूँ गाइस कि आप दो तीन महीने में जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रिम करवा, तो अपने हेयर लंबे होते इतने बढ़ते ही है और आप ट्रिम करते हो, बढ़ते हो और ट्रिम करते हो तो कुछ नहीं होता है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि आपके हेयर नीचे से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए तो आप 6 से 7 महीने में ट्रिम करवा सकते हो। अदरवाइज ऐसा क्या करना है आपको, आपको लगे कि दो मुंह वाले हेयर हो गए तो आपको अपने हेयर को ऐसे रोल कर लेना। देखो ऐसे रोल करोगे ना तो यहाँ पे बीच बीच में हेयर आ जाएंगे, जितने दो मुंह वाले होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आप इधर से जो दो मुंह वाले हो इसको कट कर सकते हो, पर दो मुंह वाले हो तभी। अगर दो मुंह वाले ऐसे हेयर नहीं है तो फिर तो ये करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। दो मुंह वाले है तो मैंने बताया ना आपको ऐसे राउंड कर देना है, पूरे अपने हेयर को ऐसे पिपुड़ी बना लेनी है। इसके बाद जो जो दो मुंह वाले हेयर होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो आपको फिर, मेरे कोई भी हेयर अभी दो मुंह वाले नहीं है इसलिए मैं नहीं कट कर रही हूँ, आपको नहीं दिखा रही हूँ, पर बता दिया कि ऐसे राउंड करोगे तो आपके हेयर जो जो दो मुंह वाले होंगे वो बाहर आ जाएंगे, फिर आपको कट कर लेना है। और अभी हम चलते हैं अब हमारे मेन मुद्दे पे कि हमारे अपने हेयर को ट्रिम कैसे करना है घर पे। तो ऐसे सबसे पहले कंघी कर लेना है और ऐसे दो तरफ अपने हेयर को बराबर बीच में से बराबर रख के दो तरफ कर लेना है। फिर भी आपको लगे कि कंघी नहीं है तो आप एक बार कर सकते हो, पर कंघी कर लेना। और इसके बाद में आपको ये दो उंगली की हेल्प से यहाँ से बीच में से पकड़ लेना है और आपको जितना भी ट्रिम करना है ऐसे पकड़ के यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी ट्रिम की कोई ज़रूरत नहीं और मैं मेरे हेयर को इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं मेरे खुद से भी ज़्यादा मेरे हेयर को प्यार करती हूँ। तो मैं हेयर
बहुत टाइम के बाद ही कट करवाती हूँ, जब भी मेरे को लगे कि अभी नीचे से बहुत गंदे हो गए हैं तभी कट करवाती हूँ, तो अभी तो कोई जरूरत नहीं लग रही है, थोड़े थोड़े हैं क्योंकि मेरे हेयर बहुत लंबे हैं, मैं नीचे बैठती हूँ तो नीचे टच करते हैं, तो नीचे टच की वजह से ऐसे हो गए, क्योंकि मेरे को कभी कभी ऐसे आप लोगों के लिए शूट करना होता है तो मेरे को ऐसे हेयर को ओपन भी रखना बन पड़ता है, वरना तो मैं घर पे ऐसे इसको बांध के ही रखती हूँ चोटी बना के, ताकि मेरे हेयर नीचे टच ना हो और नीचे से गंदे ना हो। और दूसरी तरफ भी सेम ही करना है आपको, दो फिंगर लेंगे सब साथ में करके, ऊपर से आपके हेयर थिक हो और फिंगर में ना आ रहे हो तो आप यहाँ से नीचे से भी ऐसे फिंगर में लेके फिर कट कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको सही से माप लेना है कि दोनों जगह सही है कि नहीं, तो ऐसे करके आप अपने हेयर को ट्रिम कर सकते हो। अगर आपको इससे हेयर के रिलेटेड कोई दूसरा और कोई क्वेश्चन हो, कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर से बताना। आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगी बहुत ही जल्दी। अभी मेरे व्यूअर्स की ऐसी कमेंट थी कि ट्रिम करके दिखाओ, इसलिए मैंने आज ट्रिम वाला वीडियो बनाया। अगर आप बोलोगे कि दूसरा कोई वीडियो चाहिए तो मैं दूसरा लेके आऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हो, और जिस चीज को इस वीडियो की नीड हो, जरूरत हो, उन सबको मेरा वीडियो शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हेयर के रिलेटेड नए नए वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक आए हो तो प्लीज आपका प्यार सपोर्ट आगे ही बढ़ाते रहना, ऐसे वीडियो देखते रहना। और हाँ, चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करते जाना, मेरे को थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज मेरे को सपोर्ट कर देना। तो ऐसे हेयर के रिलेटेड या फिर कोई भी आपको जरूरत हो, जिस वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊंगी। फिर मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय, आपकी प्यारी अपेक्षा का बाय।